Hi, this is Divya Nirula for D's Art Takes. Today, I want to share with you a very important landmark for me and many other Delhiites who grew up here as part of their literary journey. It's a little shop in Horse Khas in the Aurobindo market called Midland Bookstore. My journey with books started when I was a very young girl through my aunt and uncle who first took me to Midland store to get my first 100 rupee voucher. We all have our stories, you and I. And together, here, I share the story of Midland to you. मिडलैंड बुक शॉप और आप और मेरा नाम मिर्जा अफसर बेग है और मैं जो है मेरे फादर का बिजनेस स्टार्टिंग माय फादर उसके बाद हम लोग संभाल रहे हैं 1973 से कॉफ़ी हाउस में जब इंडियन कॉफी हाउस होता था क्रॉन प्लेस में पालिका बाजार के जब था वहाँ से मैंने शुरू करा उसके बाद फादर के साथ ही हूँ मैं हम लोग स्कूल भी जाते थे उस टाइम मेरी क्लास थी कोई थर्ड क्लास में पढ़ता था तो करोल बाग से स्कूल जब ख़त्म करके सीधा दुकान पे आता था वहीं से फादर के साथ रहता था उसके बाद एक रैम्बल रेस्टोरेंट जो पालिका पार्किंग एरिया है उस पर रैम्बल रेस्टोरेंट होता था वहाँ पे हमने शिफ्ट करा उसके बाद वहाँ 5 साल रहे उसके टूटने के बाद न्यू बुकलैंड जनपद पे राउंड बुक शॉप है वहाँ पे हम लोगों ने जो 79 में शायद शुरू करा है वहाँ से उसके बाद फिर एक स्कल बन गया हमारा चैन बन गई उसके बाद नेक्स्ट ये बना मिडलैंड बुक शॉप इन हाउस खास हमने न्यू बुकलैंड की जगह मिडलैंड बुक शॉप भी करा रखा है अभी भी उसका नाम न्यू बुकलैंड है तो उसके बाद यहाँ से फिर एक साउथ एक्स में खोली है एक गुड़गांव में खोली है The relation which my dad have with the customer. We try to build that relation rather than just going and developing kind of a software, you know. We just try to, just because customer relation is the base core thing which is running over 20-25 years old. So basically it's just customer relation with my dad and my granddad. So I have to work over that first. And after that I'll just think about modernizing the stock and all those things. दिल्ली का कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा शख्स नहीं था जो क्राउड प्लेस में जाता नहीं और इंडियन कॉफी हाउस में नहीं बड़े बड़े राइटर्स और उस जमाने के नेता ये वो सब उस जगह जमा होते थे तो उस वक्त में ऐसा मेरी हालत ऐसी थी सब जो अब पैसा तो था नहीं कहीं दुकान लेने के लिए कुछ वो नहीं था तो वो इंडियन कॉफी हाउस के पीछे छोटी छोटी दुकानें NDMC ने बनाई थी तो मुझे वहाँ एक से दोस्ती कारोबार शुरू किया और काम शुरू किया तो उस ज़माने में सस्ती किताब बेचना शुरू किया मैं जबकि दिल्ली में रिवाज नहीं था लोग कंपटीशन दे दिया सबको नहीं कंपटीशन नहीं था मेरे अपने हालात के हिसाब से मुझे अगर बगैर पैसे के या फिर बगैर दुकान के मुझे अगर स्टैंड होना था तो मेरे पास ये एक जरिया था वो खुदरत ने मुझे दिया तो मैं वहाँ से जब चला तो फिर अब ये समझो आपके कई लोग तो जो है रोज़ाना सवाल करते हैं आप इतनी किताब सस्ती कैसे बेचते हैं अब जबकि उनको ये मालूम है कि दुकानों पे पूरे दाम पे मिलती है और ये 5 रुपए की दे रहा 10 रुपए की दे रहा तो हैरत होती थी और कई लोग रोज़ाना सवाल करते थे लेकिन आपका जवाब क्या था
जॉब कुछ भी नहीं सर, बात यह है देखिए अपने गुजारे के लिए किसी भी 8,000 किसी भी 1 रुपया जो मुझे मिल जाता था वो मेरे लिए बहुत था। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर काफिले मिलते रहे और कारवां बनता रहा। अब ये कारवां है मेरा पूरा बच्चों का। बहुत खूब इरशाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।